हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की ओर, मतलब मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन से। चले चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल क्या रहे, क्वेश्चन ने बोला है किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक है, मतलब आयताकार हॉल की जो लेंथ है और ब्रीथ से कितनी अधिक है भाई। अगर ये एक्स है तो ये लेंथ कितनी है भाई, 5 मीटर अधिक है। एल भी निकल आया, ओके। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉल का क्षेत्रफल पता। अच्छा एक बात बताओ, जो हॉल है रेक्टेंगल है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है एल इंटू बी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं एल इंटू बी करूँ तो एल इंटू बी इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, 750 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल कितना है भैया, एक्स प्लस फाइव है। बी कितना है मेरा, एक्स है, इज इक्वल टू कितना है, 750। अब क्या कर सकते, एक्स में मल्टीप्लाई एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, तो अब माइनस या प्लस करने पे आ जाना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करने पे 750, तो हम ले सकते हैं कितना, देखते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा, यहाँ कितना कर सकते हैं 5, तो मतलब 75 को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 25, 25 थी या 75 और एक जीरो की जीरो, लेकिन यहाँ पे ये प्लस है, तो एक काम करते हैं माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 30x और माइनस का हमारा हो जाएगा 25x माइनस 750। एक मिनट चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस ये प्लस होंगे और प्लस होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 5 नहीं बनेगा, इसलिए इसे क्या कर दो जी, प्लस का 30। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं जी, कॉमन कितना एक्स हो गया, बचा कितना एक्स प्लस कितना बचा 30। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन कितना ले लूँ, माइनस का 25, बचा कितना एक्स, माइनस माइनस प्लस कितना बचा, 25 दिया 75 30। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स माइनस 25 है, तो ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू 25, एक तो होगी x इज इक्वल टू 25, दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस के 30। माइनस में लंबाई होती नहीं है भाई, तो ये तो हट ही जाता है, बचा क्या x की वैल्यू 25। मतलब अगर मेरी ब्रीथ 25 है तो लंबाई कितनी होगी, 25 प्लस 5 हो जाएगी, तो 25 अगर मैं प्लस 5 कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर है तो मीटर। तो फाइनली हमसे पूछा क्या है, लेंथ या फिर ब्रीथ। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है तो हॉल की लंबाई क्या है, तो लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, 30 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, एल इंटू बी 750 मीटर स्क्वायर, एक्स प्लस 5 इंटू करेंगे एक्स तो 750, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने फैक्टर कर लिए, 750 को तोड़ लिया 30x में और 25 में, क्योंकि 25 थी या 75 मतलब 750, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई, 5x। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में x यहाँ पे एक x बचा प्लस x, तो ये गया, बचा क्या 30, माइनस 25 मैंने कॉमन ले लिया, 25 लेने के बाद में बचा कितना x, और माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, 25 थी या 75 मतलब 30। कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आई 25 और x की वैल्यू आई माइनस 30।
माइनस 30 हो नहीं सकती, इसलिए हमारी एक्स की वैल्यू फाइनल 25 है। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है वो लेंथ पूछे, लेंथ हमेशा ब्रीथ से बड़ी होती है, याद रखना लेंथ हमेशा बड़ी होती है किससे, ब्रीथ से। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 30 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, 22 देखते हैं, 22 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने बोला है 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, या फिर इसे बोल सकते हैं 1.25 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को हटा के मीटर में कर लो, ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, तो गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली बात, एक रूम है ये मेरा, इसमें मैंने पानी भर दिया। एक बात बताओ, जब पानी हम किसी टैंक में भरते हैं, एक टैंक है, तो ऊपर वाला जो रूफ होती है, छत होती है, तो छत से कोई मतलब है? छत से तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर मैं पूरे रूम की 6 दीवारों की बात करूँ, 6 होती है ना, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम और ये दोनों, तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 6 हो गई। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो टी एस ए मेरा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब पानी मैंने भरना स्टार्ट किया टैंक में, जब टैंक में पानी भरेगा तो छत से मतलब नहीं है भाई, लेकिन इसमें जो है फॉर्मूले में 6 साइड होती है, ऊपर वाली साइड हटा दो। अब ऊपर वाली साइड कैसे हटाए, तो इससे थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये हो गया। अब यहाँ पर 2LB मतलब ये जो 2LB है, यहाँ पे एक तो फ्लोर का है नीचे और ऊपर, टॉप बॉटम का हमें क्या दिया हुआ है, 2LB। इसमें से अगर मैं ऊपर का हटाना चाहूँ, तो इस 2LB की जगह पर दो चीज़ें होंगी ना, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, टोटल 6 हो गई। 6 साइड में से मुझे एक साइड माइनस करनी, तो हम यहाँ से LB मतलब ऊपर से हटा देंगे, तो ऊपर से जब हम हटाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे LB प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये कितना हो गया, LB L प्लस B और H कॉमन है, H को बाहर मल्टीप्लाई में रख दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, एरिया निकल के आ गया। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये किस किस का है, ये सिर्फ 5 साइड का है, इसमें 5 साइड है, कितनी, 5। हाँ, अगर ये बोलता कि सिर्फ चारों साइडों का निकालो, ऊपर नीचे छोड़ दो, तो हम इसे LB को भी हटा देते, इस LB को हटा देते, तो हमारे पास बचता 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता, ओनली 4 साइड का हो जाता, ठीक है, एरिया निकलवाता। तो क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 5 साइड है टोटल मिला के, ऊपर नहीं है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला क्या, 6 मीटर लंबे, L इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, आगे देखते हैं 4 मीटर चौड़े B 4 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसे मैं लिख देता हूँ 1.25 मीटर, कितनी, 1.25 मीटर में कर ली मैंने, सेंटीमीटर को हटा दो। ठीक है, आगे देखेंगे, ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, तो गीले भाग का पृष्ठ एरिया क्या है, तो सीधे से वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो L कितना है मेरा, 6 मल्टीप्लाई B कितना है मेरा, 4 प्लस 2 ब्रैकेट L 6 प्लस ये कितना है, 4 इंटू कितने का, H का, H कितना है मेरा, 1.25। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करते, 6 × 24 प्लस, ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 2 डेढ़, 1.25 मल्टीप्लाई 2 कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा कितना,
2.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर कितना है 10, इस जीरो से ये जीरो पॉइंट कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 24 प्लस 25 कितना हो गया 49, 24 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 49, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, तो 49 मीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हो गया, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख मतलब 23 देखते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है, क्या कहानी है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी। 23 ने बोला है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लेंथ रेशियो ब्रीथ हमें दिया हुआ है 3:2, 3-2 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोले परिमाप है 20 सेंटीमीटर। एक काम करो, परिमाप क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 2l + b, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है 2l + b इज इक्वल टू कितना है भाई, पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 20, तो रेशियो रख लेते, एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, एल कितना है मेरा 3 प्लस ये कितना है मेरा 2, इतने रेशियो का मान ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 × 2 = 10, तो मतलब 10 रेशियो का मान है 20, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा जी, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 2। जब 1 = 2 है तो हमें लेंथ और ब्रीथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2l + b, इसके बराबर हमें दे रखा है 20, 2 मल्टीप्लाई कर दे 3 और 2 5, 5 × 2 = 10, 10 रेशियो का मान दिया हुआ 20, 1 रेशियो का मान 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो परफेक्ट निकल के आ जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। क्वेश्चन ने जो पूछा है उस पर टिक करते हैं जी। अब क्या पूछा वो तो देख ले, तो क्वेश्चन ने पूछा है आयत का क्षेत्रफल, भाई एरिया क्या होता है l × b, तो l क्या है मेरा 6 * कितना हो जाएगा 4, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है, 24 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहानी है। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। एक आयत, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक स्क्वायर वर्ग का परिमाप समान है और वो कितना है 160 मीटर है। तो मतलब आयत कितना होता है भाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 ( l + b, बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम तो याद हो क्या होगा 160। तो l प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 से काट दे 2 × 8 = 16, मतलब 80। इसी तरह से यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा परिमाप 4a² मतलब स्क्वायर का परिमाप क्या होगा 4a हो जाएगा। तो 4a = 160, तो 1 = निकल के आ जाएगा, मतलब एक साइड 4 × 16, तो मतलब कितनी हो जाएगी 40। यहाँ से मुझे a मिल गया, यहाँ से मुझे l + b मिल गया। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा वो देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है वर्ग के क्षेत्रफल से, क्वेश्चन ने बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लें, a स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर,
चार चौक 16 है, तो ये कितना एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा चार चौक 16 1600 मीटर स्क्वायर। मतलब ये मेरा वर्क का एरिया है। क्वेश्चन ने एक बात बोली, जितना वर्क का एरिया है उससे 100 मीटर स्क्वायर कम मेरा आयत का एरिया है। तो आयत का एरिया कितना हो गया, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो वो कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस 100 कर दिया। क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए कर दिया, क्वेश्चन ने बोला है इससे कम है तो 100 कम करेंगे तो 1500 हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, L इंटू बी होता है। L इंटू बी इक्वल टू कितना है भाई, 1500 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखो, या तो आप चले जाओ बाई ऑप्शन या चले जाओ लॉन्ग मेथड, तो हम तो चाहेंगे भाई बाई ऑप्शन, सिंपल सा मेथड है। बाई ऑप्शन भी नहीं, एक तरह से थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो हो जाएगा। 80 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर आ जाए 80, जिसको तोड़ने मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 1500, क्योंकि ये क्या है, एल प्लस बी है, ये एल इंटू बी है। तो मैं कितना कर दूँ भाई, 5 × 3 = 15 होता है भाई। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 50 और 30 हो गया काम, अपना तो बन गया भाई। 50 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 = 15 और 2 × 0 = 2 तो मतलब एरिया हो गया। तो यहां से अब आप बोलोगे कि सर एल पहला है या दूसरा, तो हमेशा याद रखना लेंथ बड़ी होती है ब्रिज से, तो हमेशा जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 मतलब 30 से बड़ी हो जाएगी। तो एल इज इक्वल टू मेरी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 50 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए, बस थोड़ा सा हमने माइंड यूज़ किया, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चेक कर लेते ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 50 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल तरीके से हम लोगों ने हैंडल कर लिया, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 की कहानी देखते हैं, क्या कहानी दे रखी है, किस प्रकार से सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चलो। क्वेश्चन बोल रहा है 38 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 600 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सिंपल सा है, एक जो है आयताकार मैदान है और हमें ज्ञात क्या करना है, जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर पथ। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देखो नोट कर लेना अगर करना चाहो तो। स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर के अंदर जब पाथ जब पथ की बात की जाती है, ठीक है, और वो कहाँ हो, इनसाइड हो, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होता है, तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना होता है, 4xa − x, बस और कुछ नहीं करना होता, समझ गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहीं पे स्क्वायर में पाथ अगर आउटसाइड हो, मतलब बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ हो
तो हमें इस्तेमाल करना है, फिर विश्वास करना है 4x सेम एज ए प्लस एक्स। ए क्या है यहाँ पे? स्क्वायर के केस में ए तो एक साइड है, ठीक है, ए एक भुजा हो गई स्क्वायर के केस में। 4x, x क्या है यहाँ पे? x जब हम देखो क्वेश्चन में 4x ए हमें दे रखा होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधे सीधे x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। x क्या है मेरा? x है यहाँ पे पाथ, ठीक है, x है यहाँ पे पाथ और a है मेरी भुजा, वो तो स्क्वायर में सब लोगों को पता है। अच्छा अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल मतलब आयत, अब रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, तो रेक्टेंगल में अगर हम बनाएंगे इनसाइड की बात करते हैं, पाथ अगर मैंने इनसाइड बनाया तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, 4x ए माइनस एक्स। इसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल में ही पाथ बना दूं आउटसाइड बाहर की तरफ तो क्या हो जाएगा? 4x ए प्लस एक्स, लेकिन ए यहां पर भुजा नहीं होती, ए यहां पर क्या होती है? ए यहां पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल में तो भाई एल प्लस बी होगा और एल प्लस बी बट्टे में हो जाएगा 2। तो यहां पर ए जो है ये है और ए यहां पर हो जाती है क्या? साइट। कब? स्क्वायर के केस में, मतलब स्क्वायर क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग के केस में एक्स है पाथ, एक्स तो यहां पर भी पाथ है, एक्स क्या है यहां पर? पाथ है, लेकिन पाथ का मतलब ये नहीं है कि यहां पर एरिया है। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, क्वेश्चन ने बोला है 38-32 आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई, यहां पर जो जो पाथ है ना वो लेंथ है, चौड़ाई, एक मिनट ये क्या है मेरी, ये पाथ की चौड़ाई है, एक्स जो है यहां पे हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगी, समझ गए, और कुछ नहीं है। एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है तो एरिया हम इसके बराबर रख सकते हैं, ठीक है, पहले तो इसे आप नोट कर लीजिए। जब स्क्वायर के केस में अगर पाथ बनाया जाए, ठीक है, जैसे कोई पार्क होता है ना तो पार्क के साइड में थोड़ी सी बाउंड्री होती है टहलने के लिए, वॉकिंग, तो वही चीज़ निकालनी है, तो बस पहले तो आप इसे नोट कर लें फिर मैं बताता हूँ। ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया वो देखते हैं। इसे नीचे वाले को रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है क्या, रेक्टेंगल आयत की तो बात की गई है, तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है 38 और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में। अब देखो एक मैदान है, क्या बोला है क्वेश्चन ने, आयताकार मैदान में खींचे गए, मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई, मतलब ये 38 L और ये दिया गया 32, इसके अंदर ही तो खींच रहे, तो अंदर खींच रहे तो ये बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 32 और 38 के अंदर देखो, क्वेश्चन में मैदान में अंदर हो गया ना, तो अंदर हो गया, अब हमें जो है इसकी ये निकालनी है बस, और बाकी का कुछ नहीं करना है। और ये क्या है मेरी, ये है एक्स, बाकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या है मेरा, ये तो L है, ये क्या है मेरा, B है। अब एक बात बताओ, लेकिन इसमें पाथ मैंने देखा इनसाइड मतलब अंदर की साइड में, 4x a माइनस एक्स है, एक्स तो ठीक है x रख देंगे, a क्या रखें, a होता है l प्लस बी बाई 2, तो सबसे पहले a निकाल लेते हैं, तो l प्लस बी, तो l कितना है मेरा 38 और 32, 38 प्लस 32 बाई 2,
तो ए इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, दो इधर दे दो, चार और तीन सात, मतलब 70/2 और 70/2 मतलब 35। ए तो निकल के आ गया मेरा कितना 35, ये निकल आया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4x यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, 4x ब्रैकेट में a माइनस एक्स, क्योंकि इनसाइड वाला है। तो यहां पे 4x हमें पता नहीं, x रख दो, a कितना है मेरा 35 माइनस एक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे कुछ और भी दिया होगा। जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर है, इक्वल टू में लगा दो 600 चीज, चिपका दो 600 मीटर एरिया दिया हुआ है तो 600 रख दो बस। बाकी का मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसे ओनली कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे 35। अब एक काम करते हैं, यहाँ से या तो इसे कैलकुलेट कर लो जी, बहुत बड़ा जाएगा, या फिर बाई ऑप्शन चले जाओ। देखो एक काम करता हूँ मैं, चार से इसे काट लेता हूँ 150, ये x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 35x, या फिर मल्टीप्लाई मत करो सीधे बाई ऑप्शन जाओ। हमें एक चीज और पता है, हमेशा याद रखना, जो पार्क के साइड में जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री नहीं जो पथ होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, कम से कम होती है 5 होती है या 10 होती है। तो ऑप्शन में से कम से स्टार्ट करेंगे उठाना, ठीक है। ऑप्शन उठा लेते हैं बाई ऑप्शन के थ्रू, हम ऑप्शन नंबर 5 मतलब 5 मीटर उठाकर देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर बी, बी में कितना लिखा हुआ है 5, ध्यान से देखना। वैसे तो आप नॉर्मली इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लो, फिर 150 इधर आ जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर कर लेंगे तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पे, चार तो कट गया कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 ब्रैकेट में कितना है 35 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है 150, तो कितना हो जाएगा 35 में से 5 गए तो 30, इधर कितना है 5 इज इक्वल टू कितना है 150। भाई अपना तो काम बन गया, 5 × 15 ये भी 150, ये भी 150, अपना काम बन गया, 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। तो बस यही करना था, और अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि 35 यहाँ पे अगर आप एक स्टेप और बढ़ा देते, ये तो हो गया आंसर फिक्स। यहाँ पे बात करूँ x का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाता 35x माइनस एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए 150। तो x की वैल्यू बाई ऑप्शन से उठा लें, क्योंकि पथ की जो लंबाई है चौड़ाई है वो जो है कम से कम ही होती है, ठीक है, तो चौड़ाई हमने ले ली ऑप्शन से 5, तो 35 × 175 हो जाएगा, माइनस x कितना है मेरा 35, x कितना लिया हुआ 5, एक मिनट, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 5 × 5 = 25 इज इक्वल टू कितना है 150, तो सीधी सी बात है 175 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 150, तो मतलब यहाँ से भी वेरीफाई है 5 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी और कुछ नहीं करना है। चाहो तो फिर इसे 150 को इधर लिख के आ जाओ, ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो और लेंथी हो जाएगा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, 26 की कहानी देखते हैं, ठीक है, 26 में क्या दे रखा है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी कमरे के फर्श का परिमाप, किसी कमरे के फर्श का परिमाप, फर्श रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, आगे दिया हुआ 18 मीटर, तो सीधे सीधे लिख लेता हूँ मैं, तो 2l + b इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 मीटर। अच्छा l + b अगर मैं निकालूँ तो l + b इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है, इतना तो हम बच्चा बच्चा निकाल लेगा। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कमरे की ऊंचाई, हमें h भी दे रखी है, और कमरे की ऊंचाई h दे रखी है 3 मीटर, ठीक है जी, क्वेश्चन ने बोला है
कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कमरे की दीवार तो हम इसे बोलते हैं, चार ही तो होती हैं दीवार, चार होती हैं, तो हमने अभी टोटल सरफेस एरिया देखा था, क्या होता था, 2lb + bh + hl, यही होता था। अब इसे हम डिटेल में लेके थे, 2lb + bh + 2bh + 2hl, ये क्या होता था, ये होता था ऊपर वाली छत और नीचे वाला, नीचे वाली जमीन। तो अगर मैं इस चीज को अठा दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, यही तो बचेगा, और ये क्या होगा, ये फोर साइड का हो जाएगा, ये जो एरिया होगा फोर साइड का हो जाएगा। तो निकलेगा क्या, 2l + bh, ये कितनी साइड है इसमें, फोर साइड है, समझ गए। तो अब यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, बस क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l + b। एक बात बताओ जी, 2l + b, हम इस स्टेप को ना करते तब भी हम 2l + b की जगह 18 रख लेते, कर लिया है तो भाई कर ले रहे, तो दो तो है ही है, इंटू l + b कितना है भाई, 9 है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा h, तीन क्वेश्चन में गिवन है, 9 दुनिया 18 थी 54, तो कितना हो जाएगा 54 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, समझ के, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा। तो 54 मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 26 का, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इजीली सारे क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है, 27 देखते हैं, 27 में क्या दिया है, क्या कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं जी, क्वेश्चन बोला है एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल, भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 81, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने का वर्ग है, 9 का, तो ये जो है ए की वैल्यू आ गई। अच्छा मैं अगर बात करूँ, आगे देखते क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि उसी तार को अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, आधा वृत्त, ठीक है, आधे सर्कल में मोड़ा जाता है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या रेडियस ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तार की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो ए निकल आया, तार की लंबाई मोड़ी जा रही है एक स्क्वायर के ऊपर पास, तो क्या हो जाएगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, तो 4a, तो मतलब 4a इंटू मतलब 4 × 9 कर दूँ, 4×9 = 36, ये क्या निकल के आया मेरा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो गया 36, यूनिट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यूनिट में, सेंटीमीटर है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर का परिमाप है, पेरीमीटर है, तो परिमाप मतलब जितना परिमाप है उतना ही बड़ा तो तार होगा। अब इस तार को मैं मोड़ देता हूँ एक अर्धवृत्त में, बना देते हैं जी, अच्छा एक बात बताओ, जब पूरा गोला होता है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या हो जाती है इसकी, बोलो, 2πr हो जाती है। अब मैं इसे आधा कर देता हूँ भाई, आधा कर दिया मैंने, समझना, अब मैंने ये आधा कर दिया भाई, हटाओ इसे, जब ये आधा किया तो इसे भी आधा कर दो भाई, 2 से भाग करके आधा हो गया, बचा कितना, पाई आर, मतलब जो ये पाई आर है ना वो सिर्फ इसकी वैल्यू है, सिर्फ इतने एरिया की वैल्यू है, कितनी, पाई आर, ये एरिया भी तो मोड़ना पड़ेगा भाई, तार तो भाई यहाँ से लेके पूरा कवर करना पड़ेगा, तो मतलब ये अगर सेंटर मान लो तो ये आर है, ये आर है, तो क्या हो जाएगा, +2r हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखो r, तो ये हो गया r, ये हो गया, और ये टोटल मिला के 2πr था, 2 से 2 कटा, तो r प्लस आर पाई प्लस आर और प्लस 2r, एक काम करो दोनों में r कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो r कॉमन ले लो जी, बचा क्या,
आर कॉमन लेने के बाद में मेरे पास पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और प्लस 2, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 22। आर इजिकल टू यहाँ से हम निकालेंगे तो 7 × 2 = 14, आर इजिकल टू थोड़ी ना होगा, आर होगा सिर्फ ब्रैकेट में 7 × 2 = 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36, 36/7। आगे देखते हैं आप, एक बात बताओ जी, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकाली मैंने, ये वाली किसके बराबर होनी चाहिए, ये है क्या चीज़ मेरी भाई, ये अर्धवृत्त का सरकमफेरेंस ही तो परिधि तो है, आधे वृत्त की जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, परिधि तो निकाल रहे हैं, तो परिधि निकाल रहे हैं तो मतलब तार मोड़ दिया, अब मैंने तार मोड़ा यहाँ पे, मोड़ दिया तार मोड़ा गया यहाँ पे भाई, तो ये तार मोड़ा गया, ये भी एरिया बाहर का है, और तार की लंबाई कितनी थी भाई, 36 ही तो थी, तो मैंने 36 रख दी भाई, पहले मैंने उससे चौकोर बनाया, पहले हम जब छोटे थे ना तो तार से कभी तो हेलीकॉप्टर बनाते, कभी सांप बना देते हैं, बचपन में होते ना तो तार यूज़ करते, तो उसी तार को मोड़ मोड़ के कभी कुंदा बना देते, और बोतल के ढक्कन होते कैंपा गोला के, उसे सीधा कर करके फिर फिर करते थे, धागे में बांध के देखा होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निकल के आ गया 36 पेरीमीटर था, ये भी पेरीमीटर, ये क्या है मेरा, बाहर का है, बाहर का, बाकी 36 से ये 36 काट दो जी, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आर 7 का मल्टीप्लाई कर दो जी, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा जी, 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू फाइनल निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर फिक्स हो गया, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। पहले आप ना अच्छे से समझ लो क्वेश्चन है क्या, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो प्लीज़, अगर समझना है तो, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ट्वेंटी एट की कहानी देखते हैं, क्या कहानी है, क्या बोला गया है हमसे, ठीक है। ट्वेंटी एट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। किसी 200 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े टैंक में 0.3 × 0.2 मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी गिरता है, तो पानी का तल 8 मीटर ऊंचाई उठने में कितना समय लेगा, मतलब 8 मीटर ऊंचा भरवाना है, हैं? अच्छा, जो पाइप है, पाइप कितना, पाइप का मुंह दिया हुआ है यहाँ पे, पाइप के मुंह का जो एरिया है, सर्कल नहीं है ये, नहीं तो आप समझो वृत्त है, पाइप के मुंह का जो एरिया है, जैसे पाइप जा रहा है ना, अब ये जो एरिया है ना, पाइप के मुंह का जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है कितना, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर है इंटू 0.2 मीटर, ये तो एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देखो 200 मीटर और 150 मीटर और ऊंचाई भरवानी है 8 मीटर, ये तीनों एक जगह पे हैं, रूम में पहुँचा दो जी, ठीक है। 200, 150 और 8 मीटर ऊंचाई, तो ये तो हमें उठाना है, ठीक, और इन तीनों को एक साइड कर देते, 20 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पाइप की चौड़ाई दी गई है, पाइप के मुंह की चौड़ाई, उसे लिख लेते हैं पहले, ध्यान से समझ लेना, 0.3 × 0.2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, गिवन है ना, क्वेश्चन ने हमसे बोला। अब देखो डिस्टेंस, यहाँ पे मैं सीधा सीधा सा भंडा बता रहा हूँ, ये हो गया, अब डिस्टेंस की बात करें, पाइप का जो पानी है वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है,
ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूँ तो 20 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 2 3 3 0 और चिपका दो जी, ये क्या हो गया मीटर हो गया, ठीक है 20,000 मीटर हो गया। इंटू कर दो जी समय का, समय टी इंटू कर दो, क्योंकि हमें समय निकालना है वो वाला समय। आगे क्या कर दूँ भाई, आगे कुछ मत करो, इसे भाग कर दो, इसे भाग कर दो कितने से, जो कमरे की 200 मीटर है इंटू 200 के साथ दिया हुआ है 150 इंटू कितना ऊपर पानी भिजवाना है 8 मीटर। बस बाकी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट हटा दूं 1-0, इस पॉइंट को हटा दूं 1-0, कैलकुलेट करते हैं तो क्या हुआ 1-2-3 1-2-3 4-4 ठीक है, 2-2 4 हो गया, 4-2 8 हो गया, 3-5 15 हो गया, ठीक है 20-25 100 100-2 200। एक काम करते हैं, इज इक्वल टू में कुछ मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो इसे वहाँ पे ले जाओ, तो टाइम ही तो निकालना है मुझे, तो t इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 बचा हुआ है मल्टीप्लाई 5 बचा हुआ है मल्टीप्लाई 2 बचा हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 5-2 10 2 20 मतलब 200, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो इसमें दोनों चीज़ें, पहले जो था पाइप का एरिया था, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले पाइप का एरिया था, ठीक है मल्टीप्लाई किया मैंने, ये क्या था किलोमीटर प्रति घंटे था, ठीक है यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता, ठीक है 20 किलोमीटर प्रति घंटे थे, घंटे तो मैंने यूँ ही रहने दिया, घंटे क्यों यूँ ही रहने दिया, क्योंकि हमें आवर्स में ही निकालना था, ठीक है इसलिए मैंने घंटे को कुछ नहीं किया, 20 किलोमीटर को सिर्फ मैंने मीटर में चेंज किया, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 मीटर में हो गया, ठीक है ये जो है स्पीड ऑफ वाटर है, ठीक है यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर हो गई, और इज इक्वल टू में ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ वो देखिएगा, तो क्वेश्चन ने बोला 200 मीटर लंबे, ठीक है एल बी और एच ऊंचाई, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में दिया हुआ है एल बी एच, सिर्फ ये मैंने इस्तेमाल किया है। पाइप का एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर, पानी का, पानी की जो स्पीड है वो याद रखना सेम यूनिट में रखनी है, मीटर 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 कर देना, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें करना है, ठीक है बाकी तो हो गया स्पीड ऑफ वाटर टाइम के साथ में, यहाँ पे इंटू टाइम और कर लेना, ठीक है एरिया ऑफ पाइप हो गया, स्पीड ऑफ वाटर इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एल बी एच, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ने हाईलाइटेड करके दिया घंटे में निकालना, याद रखना इसलिए मैंने ये घंटा उठाया नहीं है, सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है, ठीक है क्योंकि एक किलोमीटर में 1,000 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं तो 1,000 मीटर यहाँ पे 20 से 20,000 कैसे हो गए, तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर तो 20 किलोमीटर में सीधी सी बात है 20,000 मीटर हो गए, घंटे का घंटा रहने तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू कर दिया टाइम का जो कि यहाँ पे है, ठीक है पाइप का एरिया जो है एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करेंगे, इनटू करेंगे टाइम, ठीक है और इज इक्वल टू कर देंगे क्या एल बी एच, लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या है समय, तो समय की अगर मैं बात करूँ तो समय हो गया कितना
200। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 की कहानी देखते हैं जी। ठीक है, देखो जब आप सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट जिस दिन कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरह से सिर्फ आप अपने नोट्स तैयार करो, ठीक है, कुछ मत सोचो समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बार करके ट्राई करो। जिस दिन कंप्लीट होगा ना तो आपके आगे, कभी कभी क्या होता है इसमें बुक में कि पीछे के क्वेश्चंस आगे आ जाते हैं, ठीक है, 3D के 2D में, 2D के 3D में, कभी कहीं का क्वेश्चन कहीं, तो टफ और ईजी होता रहता है बुक्स में, ठीक है। तो आप लोगों को टफ पढ़ा नहीं, ईजी तो समझ में आ गया, जो टफ नहीं पढ़ा ना धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे, जब 500 से 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे क्या कहानी है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, 29 बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते हैं जी। क्वेश्चन भी दो लाइन का है, बस देखते हैं क्या कहता है, कभी कभी दो लाइन का भी तमाशा खड़ा कर देता है। 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयतकार क्षेत्रफल के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता, बहुत अच्छी बात है, चारों ओर 10 मीटर का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये कि एक मेरे पास ये है, एक ये है, अब देखना ये दिया है कि ये दिया है, ये सबसे मेन पॉइंट है। 200 इंटू 180 मीटर वाले आयतकार क्षेत्र के चारों ओर बना हुआ है, तो मतलब ये 200 है, ये कितना है फिर, ये दिया हुआ है हमें 180। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, सेम मेथड जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले अभी देखा था इसी वीडियो में, उसे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसे फॉलो करने से अच्छा एक ही चीज़ है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, उसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जब भी कभी आपको ये वाला जो पथ है उसकी चौड़ाई दे रखी हो तो वो कितनी है, 10 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई जब दे रखी हो तो अब एक बात बताना, ये 10 है तो ये भी तो 10 है, अच्छा ये 10 है तो ये भी तो 10 है, अच्छा ये 10 है तो ये भी तो 10 है। अब एक बात बताओ, ये 180, ये 180, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 180, 190 और 200, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो बी है वो कितना है, 200। यहां पे एल देखें तो एल कितना हो जाएगा, 200 तो ये है भाई, 10 इतना बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, तो 220 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया क्या है, जैसे ये बना हुआ है और ये बना हुआ है और हमसे पूछा है ये एरिया, ये एरिया बताओ जी, एरिया क्या है, वो तो हमें चौड़ाई दे रखी है, अब ये एरिया बताना है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा देखना, ठीक है, 200 में गुणा करते 220 का, 200 में गुणा कर दें 220 का, ध्यान से सुनना, जब भी कभी आपको क्षेत्रफल एरिया पूछा गया हो, ठीक है, ये वाला जो एरिया है तब पूछा गया हो, ठीक है, तो 200 में गुणा कर दें 220 का और माइनस कर दें 180 में गुणा करके 200 का, इसमें इसका गुणा कर दें, इसमें इसका गुणा कर दें, बीच में माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है जी। तो देखेंगे 22 दुनी 44, 3 जीरो की 3 जीरो चिपका दो, माइनस 18 दुनी 36, 3 जीरो की 3 जीरो चिपका दो, माइनस करो जी, 44,000 में से 36,000, तो 36 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 40,000 हो गए, 4,000 ऊपर है, तो फाइनल जो आंसर होना चाहिए 8,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर में तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8,000 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, समझ गई। तो ये क्या निकल के आ गया, एरिया। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया था रास्ते का क्षेत्रफल, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, तो हमें आगे से यही लगाना है, ठीक है,
और अगर हमसे ये पूछा जाता तो आप वही कॉन्सेप्ट 4x a माइनस एक्स वाला लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिंपल है, 200 में मल्टीप्लाई इसका माइनस और 200 में मल्टीप्लाई इसका 180। लेकिन ये कभी कब लगा सकते हैं, जब भी लगा सकते हैं जब हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और एल भी दे रखा है। ये क्या है मेरी एल है और ये क्या है मेरी बी, ठीक है। तो 8000 मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की कहानी और देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या बोल रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वाह भाई वाह, क्या बात है, एक वृत्त के अंदर बना दिया, टेढ़ा हो गया, भूसा मार दिया किसी ने, एक वृत्त के अंदर बना दिया वर्ग, ये दे दिया हमें त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी 8, और हमसे बोल दिया कि इसका एरिया बताओ। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फंडा है, देखो एक बात बताओ, ये कोने से यहां तक जुड़ रहा है रेडियस है, अगर मैं इसे पूरा कर दूं 8 हो गया, ये क्या बन गया भाई, वर्ग का विकर्ण डायगोनल बन गया ना। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई, ए रूट टू। तो वर्ग का विकर्ण की बात करूं तो ए रूट टू होता है, ए रूट टू बराबर दिया 8 और 8 कितना हो गया भाई, ये पूरा देखेंगे ना तो कितना हो गया 16। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना हो जाएगा 16/√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर तो मतलब जो लिखा हुआ है ए की वैल्यू उसे दो बार गुणा कर दो बस, तो कितना हो जाएगा 16/√2 मल्टीप्लाई 16/√2। अच्छा रूट टू में रूट टू का गुणा करते तो होता क्या है 2 हो जाएगा, तो ये नीचे नीचे हो जाएगा 2, मैंने लिख दिया 2 से 2 8 16 8 128, कितना हो गया 128। जो यूनिट है उसमें स्क्वायर लगा देना तो क्या हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ जी इसमें भी कुछ था, ठीक है। तो कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर, समझ के। चलो बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ शेयर जरूर करना, जैसे कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।